पद्मावत फिल्म ना हो गई हो, मानो कोई जंग का अखाड़ा बन गई हो, जिसमें करणी सेना तो खुद को महारथी मान ही रही है, लेकिन साथ ही साथ सियासतदान भी इस महाभारत में खुद को कूदने से नहीं रोक पा रहे। कोई फिल्म के समर्थन में है तो कोई इसके विरोध में। विरोध जताने में बीजेपी से लेकर वीएचपी के नेता सबसे आगे हैं, वहीं विपक्षी दल फिल्म का समर्थन कर सरकार को घेरने में लगे हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म राजनेताओं के लिए सियासी रोटियां सेकने का जरिया बन गई है, जिस पर हंगामा जबरदस्त है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो प्रदर्शनकारियों के डर से इस फिल्म के खिलाफ थे ही, जब केंद्रीय मंत्री भी इसका विरोध करने लगे हैं। वीके सिंह ने कहा कि जब चीजें सहमति से नहीं होती हैं, तो वहाँ गड़बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतिहास से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देती है। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री ने भी विरोध किया है। अनिल विज ने कहा कि इस तरह की फिल्मों को रिलीज ही नहीं करना चाहिए, जिससे हिंसा भड़के। बीजेपी के नेताओं की हाँ में हाँ मिलाते हुए प्रवीण तोगड़िया ने भी पद्मावत पर सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फिल्म पर रोक लगाए नहीं तो सिनेमा घर में जो होगा वो इतिहास देखेगा। इसके अलावा नर्मदा की यात्रा की परिक्रमा कर रहे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी पद्मावत पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किसी समाज और देश के ऐतिहासिक तथ्यों से किसी को ठेस पहुंचती है तो ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए। जहां एक तरफ संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर विरोध करने वालों की लंबी चौड़ी कतारें हैं, तो वहीं कुछ नेताओं ने फिल्म का समर्थन करते हुए हो रही हिंसा पर बीजेपी सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद्मावत फिल्म के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें और सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक फिल्म रिलीज पर हो रही गुंडागर्दी को नहीं रोक सकते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरुग्राम में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया और कहा कि राम ने जो सजा रावण को दी, वही उन गुंडों को मिलनी चाहिए। लिबे लाइव की रिपोर्ट।